नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। वी आर करेंटली इन भोपाल। करीब 19 घंटे की ड्राइव करके हम लोग भोपाल पहुँचे हैं। इस ब्लॉग में हम आपके साथ अपना भोपाल का स्टे जो है वो शेयर करेंगे। तो हमने होटल एमराल्ड करके है, ये एमपी नगर जोन 1, यही है ना लवी? हाँ, तो वहाँ एक रूम ले लिया है। अब 3 या 4 स्टार प्रॉपर्टी है, मुझे आइडिया नहीं है, रूम कुछ ऐसा है और बहुत बढ़िया रूम मिल गया हमें। डबल बेड है, एक्स्ट्रा मैट्रेस है और इधर अलमारी है, वार्डरोब है, लॉकर नहीं है इसमें और मिनी फ्रिज भी, शायद मिनी फ्रिज है उधर, और थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, इधर ड्रेसिंग एरिया है, बेड कंफर्टेबल है, वॉशरूम कुछ ऐसा है। तो वॉशरूम जो है ना वो हमें बड़ा पसंद आया, बहुत बड़ा सा वॉशरूम है, साफ़ सुथरा एकदम चमकता हुआ। अब अगर बात कर लें कि इस रूम का हमने कितना रेंट पे किया और कैसे बुक किया, तो पहली बात, मेक माई ट्रिप पर पहले से ही मैंने ये होटल देख लिया था। वहाँ पर ऑनलाइन सेम रूम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पर अप्रॉक्सीमेटली 4400 से 4500 का पड़ रहा था। तो हमने सोचा था कि डायरेक्ट जाके बुक करेंगे, अब आदत भी हो गई डायरेक्ट बुक करने की। तो हमने होटल में आके डायरेक्ट फिर यहाँ पर बात किया काउंटर पे, और कोई ख़ास नेगोशिएशन भी नहीं करना पड़ा। डायरेक्ट जब भी आप बुक करेंगे ना रेट कम ही पड़ता है। इन्होंने सेम रूम हमें 3600 में दे दिया, सीधा सीधा 900 रुपये कम पड़ा ऑनलाइन से सेम रूम। और बच्चे एज यूजल उछल कूद में लगे हुए हैं। तो शाम के करीब 5 बजे हैं, सब नहा धोकर रेडी हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स ट्राई करने। तो एमपी नगर में हम लोग इस होटल में रुके हैं, होटल एमराल्ड। पार्किंग भी यहाँ पे ठीक ठाक है, बगल में गाड़ी लगी हुई है। तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया कि मनोहर डेयरी है यहाँ चेतक सर्किल के पास, वहाँ चलेंगे, और वॉकिंग डिस्टेंस पे है इसलिए पैदल ही निकल जा रहे हैं, करीब 300 मीटर है। तो जी, ये मिल गया मनोहर डेयरी एंड रेस्टोरेंट। यहाँ तो भाई साहब भयानक वेटिंग है खाने के लिए भी। फर्स्ट फ्लोर पे जगह नहीं मिली, अब सेकंड फ्लोर पे चेक करने आए हैं। ये खुला है तो ऐसा कुछ मेनू है यहाँ पे। और अपन ने यहाँ का फेमस छोले भटूरे, रस मलाई, और क्या ऑर्डर किया था, एक दही समोसा और एक लवी कुछ मंगाई है ना, हाँ स्प्रिंग रोल। अरे ये मिल्क शेक वगैरह भी था। हाँ, रस मलाई नहीं खाओगे? अरे बहुत फेमस है यहाँ का भाई। आ गया जी अपना छोले भटूरा। लो जी मैडम, ऐसा करो ना उस प्लेट में थोड़ा सा निकाल कर लवी को दे दो। छोले अच्छे से गले हुए हैं। दिल्ली वाला टेस्ट है कि नहीं? हाँ, दिल्ली वाला ही टेस्ट है। वही ना, काले काले छोले, काले वाले छोले। भटूरा घी में लग रहा बना हुआ है यार। छोले का टेस्ट वही हल्का सा दिल्ली स्टाइल वाला है। ये कैसा है, ये सही है? अच्छा ना, तेरा तो फेवरेट है। उतना स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल सा है, चटनी स्पाइसी है। तो नोएडा में जैसा खाते थे ना वैसा टेस्ट नहीं है, बहुत स्पाइसी चटनी भी नहीं है इनकी, लेकिन हाँ बहुत सटल सा टेस्ट है और बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ एक्सप्लोजन हो रहा है टेस्ट का, वैसा नहीं है। ये आ गया अपना समोसा विथ दही। अरे ये तो ज़्यादा अच्छा है जी, देखने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। और वो है रस मलाई, मीठा मीठा सा टेस्ट है समोसे में, थोड़ा सा दही बड़ा जैसा लग रहा है। रस मलाई सही है जी, अभी मत बोलना मीठा है, मीठा ही होता है वो। हैं, सॉफ्ट है, क्या है, ऐसा क्या फेमस है यहाँ पे? हाँ सॉफ्ट तो है, मुँह में डालते ही घुल जा रहा है, थोड़ा केसर का भी स्वाद आ रहा है। हो गया जी अपना नाश्ता शाम का, बिल आया करीब 460 रुपये नॉमिनल, और सबका हल्का हल्का, हाँ सबका टेस्ट बहुत सेटल था, बहुत ज़्यादा स्पाइस अप नहीं था कोई भी चीज़। हाँ ऐसा नहीं, और कि वो रस मलाई जो है ना वो बढ़िया था। हाँ रस मलाई बहुत बढ़िया था, सॉफ्ट था। तो खाने के बाद अब हम लोग थोड़ा निकले हैं तफरी मारने के लिए डीबी मॉल की तरफ। चलते हैं थोड़ा पैदल टहल के, तब आते हैं। तो गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई है, सुबह सुबह हम लोग अब चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो जी आज होटल्स में गेस्ट कम है, यहाँ बफे आज लगा नहीं है और ऑर्डर कर दिया है, वेट कर रहे हैं हम लोग। तो जी ब्रेकफास्ट आना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो रहा है पराठा और आलू जीरा से, उसको भी दे दो। और अपना आ गया वड़ा, और उधर ऑमलेट कहाँ गया जी? ऑमलेट दो, ऑमलेट दो मेरे को, ये सारा खा जाएगा नहीं तो, इसको थोड़ा सा कट करके दे दो।
आलू जीरा में नमक कम है, नहीं नमक कम है लेकिन टेस्ट अच्छा है। वो जी ब्रेड बटर भी आ गया, फ्रूट्स आने वाले हैं, बड़ा हो गया, ऑमलेट हो गया, पूरा स्प्रेड हो गया। बफेट नहीं है लेकिन बफेट से ज़्यादा बेटर है, जो मांगा सब मिल गया। मेरा नाश्ता बढ़िया हो गया, दोपहर तक या दोपहर या शाम तक नहीं खाना पड़ेगा। तो जी दोपहर के करीब 1 बजे हैं, हम लोगों ने होटल से चेकआउट किया और अब जा रहे हैं हम लोग भोपाल में एक जगह लंच करने। जगह का नाम है बापू की कुटिया और ये उधर ही है, लेक बड़ा तालाब के आसपास ही है। पहले भी वहाँ 2-3 बार हम लोग खा चुके हैं। हाँ जी, तो देवी और सज्जनों हम लोग अरेरा हिल्स में कहीं भटक रहे हैं और आगे ही दिखा रहा है बापू की कुटिया। ये है बापू की कुटिया रोशनपुरा में, जहाँ हम लोग पिछले 8-10 सालों से लंच और डिनर करने आ रहे हैं। तो जी पहुँच गए हम लोग बापू की कुटिया और यहाँ पे हम लोग 2015 से ही आ रहे हैं। ये कुछ मेनू है इनका, आप पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पे ना जो नॉर्मल सब्जियाँ हैं ना, मतलब पनीर वाली नहीं, नॉर्मल सब्जियाँ, उनका टेस्ट जैसे चना हुआ, भिंडी हुआ, गोभी हुआ, वो अल्टीमेट होता है। तो ये खाना आ गया अपना सिंपल दाल फ्राई, कुरकुरी, भिंडी, ये पिछले 7-8 साल से हम लोग लगातार खा रहे हैं क्या। और ये इनका कुछ स्पेशल है आज, बैगन, हाँ पंजाबी बैगन, बैगन विथ सब मसाला और प्लेन रोटी, यही मंगाया था एकदम। और यकीन मानिए इसका जो टेस्ट है ना भिंडी का, बैगन का, हमें पहले से पता है वो बहुत बढ़िया होगा। ये मेरा प्लेट रेडी हो गया। अरे वाह, बैलेंस टेस्ट बैगन का, हाँ बैगन इनका सबसे अच्छा लगा, एकदम मसालेदार, एकदम तड़के से भरा हुआ, मुंह में जाते एकदम ब्लास्ट कर रहा है एकदम स्पाइसेस। भिंडी जो है ना ये कुरकुरी वाली, ये भी बढ़िया है। और ये तो हम लोग अक्सर खाते ही रहते हैं, आते हैं तो कभी कभी ना खाना बिना पनीर के भी खाना चाहिए, पनीर खा के आदमी पक जाता है। मत पूछो क्या टेस्ट है, मज़ा आ गया मतलब। तो झीलों की नगरी भोपाल के रोशनपुरा इलाके में हम लोग इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। बापू की कुटिया में लंच करके मन प्रसन्न हो गया मतलब। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे इंदौर की तरफ, तो वो अब आप जो रोड ट्रिप है ना वो अगले ब्लॉग में देखना। तो फिर मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार।